يتقدم بين الصفين محتسبا. <applause> أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جابه، لقد قتله من جاء إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد جو میرے دل بات वो ये है कि वल्ला अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता तो मैं तलवार उठा के मौला अली रदी अल्लाह के साथ होता और मौला अली रजी अल्लाह तला की तरफ से हजरत अमीर मुआवजे के लश्कर के साथ मैं लड़ता था तो ये हमारे अकीदे का तकाजा नासबियों का नजरिया क्या है की जी दोनों मुस्त थे जी अब हमें ये फैसला करने का हक नहीं पहुँचता की हम कहें के कि किसका इश्हाद सही था और किसका गलत बेकसूर बेखता हजरत मुआविया ये नारा मुंह में नासबियत है इससे की बुछ। बुछ। वो जो सहाबा को धमकी लगाए वो जो कहे मैं उस वक़्त होता तो मेरी तलवार से मुआविया ना बचता और आज अगर वो मौजूद नहीं है तो मेरी जुबान से नहीं बच सकता तो सैयद ना मुआविया को इस तरह शरीहन धमकी दे मुहर्रम के सेंसिटिव माहौल के अंदर बजाय ये कि उसके खिलाफ पर्चे को काटा जाए उसके लिए सहूलत कारी की जाए जो बदबकहीन करे पर्चा हो जाए इसमें कौन सा ऐसा गलत मुतालबा है जो मुतालबा करे वो गलत है जो एहत की कॉल दे वो गलत है वो इंतजार फैला रहा है जो बदबक तोहीन करे उसकी आप सहूलतकारी कर रहे हैं

तो और मु के खिलाफ तलवार उठाता खुदा की कसम यह बहुत बड़ी गुस्ताखी है और अब बकवास क्या कर रहे की फौज में होता तो हजरत और शोभा के खिलाफ तलवार उठाता दिफा नहीं कियालाफ की मोहब्बत और अकी देने की जरूरत है सोशल मीडिया पर आपको भरपूर एहतिया करना चाहिए जितने भी लोग जिनके भी चैनल हैं इस टॉपिक पर इंजीनियर के खिलाफ करें इसके चैनल को बंद करो करो अनसब्सक्राइब बंदा हमें नहीं नहीं चाहिए किसी कीमत पे हम इसको बर्दाश्त करेंगे आज ये गुस्ताखी की है कल इससे बड़ी गुस्ताखी होगी और लोगों के मुंह खुल जाएंगे मुस्लिम के मुताबिक है उससे बढ़कर तुम्हारे बुजुर्गों के अकवाल से मैंने वो सारी बातें बता दी इसके बाद कौन सी गुंजाइश रह गई है कि तुम भागो मोहम्मद लिखी सीरत रसूल तो लिख वावि रदी तुमने शहादत उस्मान का झूठा इल्जाम हजरत अली पे लगाया और अल्लाह त मौला अली को बरी कर दिया फिर उन्होंने लिखा बनो मैया साठ साल तक मेबरों से हजरत अली के लिए तनकीज के जुमे बोलते रहे सबोश करवाते रहे मौला की शान को बुलंद किया ताकि उस्मानी साहब ने ना अमीर शाम के दिफा पे किताब लिखी है उन्होंने कहा यार ऐसी तो कोई हदीस की किताबों में नहीं है बुखारी में मिलती है उसमें भी सब का लफ्ज है हालांकि बुखारी की 3703 हदीस मुस्लिम में भी मौजूद थी लाग मौजूद था लेकिन इसको तौफीक नहीं हुई कि वो हदीस वो नकल करता या तो ये जाहिल था इसे पता ही नहीं था कि इसका तरीक मुस्लिम है या फिर ये मुराफत कर रहा था चले हम दूसरा माना नहीं लेते हम कहते हैं जाहिल यही तो हम आपको कह रहे हैं कि आपके जाहिल हैं ने फरमाया मेरे जाहल को बुरा मत कहो बिल्कुल जी हम ही तो इस हदीस पे अमल कर रहे हैं कि जिन्होंने मौला अली पे लानत करवाई हम उनको भी कह रहे हैं हम इसी में तो अमल कर रहे हैं तुम तो ये हदीस पूरी नहीं बयान कर सके

कि को अगर कर तो करोड़ों इस टेबल जितनी जगह सोने की कीमत को तलवार उठा लेता तो भाई क्या करता और मौला अली मेरी ड्यूटी लगाते तो मैंने नारा हजरी लगाना था ना हाँ मैंने सीधा बात तो नहीं कहना था मैंने तो कहना था हजरत अली ने जमल पर तलवार उठाई एलवान पर उठाई तो वहां मैंने न्यूट्रल तो नहीं होना था मैंने तो मानना था जाली की मौत माना जाता और फिर दूसरी बात उस जमाने में तो हम भी साबित होते और जब दो साबा लड़ पड़े आपने तो ही नहीं बीच में चलो न सोच आए हो ना दार थले और बेमानी यह है वो कराची का जो मुफ्ती है वापी दो और जो लाहौर का वापी आदिश है दोनों ने मेरा क्लिप आधा काटा उसमें आगे लफाज थे ये कहते नहीं हमें इससे भी कोई असर मसाला जो आपने कहा हम अपनी जुबान खोलेंगे मैंने कहा जुबान खोलेंगे कि जो कुछ नबीस्म ने फरमाया अपनी जुबान हदीस के मुताबिक खोलेंगे इन्होंने कहा कि जुबान खोल अगला ऐसे ही काट दिया तो मैं जुबान ना खोलू जो ने फाया को बाकी जमा करेगी जनम की तरफ जन्म की तरफ बुलाई होंगी अब बनाया है इनको छुपा लेते हैं जाकर भी। भी, उनका डिफरेंट है उनको तो मोल ने माफ़ किया हुआ है जी मुसनबी शाहबा भी, भी मौजूद फजा साहबा न की किताब में उम्मीद करता हूँ कि ये जो आये है इमान के दिलों से एक दूसरे के बारे में नफरत निकाल देगा और वो 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 तख्तों पर आमने सामने बैठे हुए होंगे

और गजाली को पता नहीं शैतान ने को ख्वाब दिला दिया जी मैंने ख्वाब में देखा है कि एक महल है जिसमें हजूर बैठे हैं हजरत माविया को बुलाया जाता है हजरत अली को बुलाया जाता है थोड़ी देर बाद हजरत माविया निकलते हैं और कहते हैं वल्ला मुझे बख्श दिया गया और हज़रत अली निकलते हैं और कहते हैं मुझे मेरा हक दिला दिया गया एक ख्वाब खौँग, ख्वाबों दिन होते हैं ना, ना। देखिये इतना ख्याल है इनको मामू का चाचू का कोई ख्याल नहीं है हाँ सईदा अली कजन है ना रसुल्ला के तो चाचू नहीं बनेंगे वो तो हर बैद भी है मामू का इतना ख्याल है कि मामू के पीछे पूरी उम्मत को मामू इन्होंने बनाया हुआ है मामू मामू करते रहते ना टाइम बनू मैया का नाम ले तो फौरन हजरत उस्मान का नाम ले आते हैं भाई हजरत उस्मान उमद बिन अब्दुल अजीज ये तो आले उमैया में ऐसे हैं जैसे आले फिरौन में मूसा इनके पीछे क्यों छुपते हो जाके हमें बताओगे हमारा तो मुकदमे खिलाफ है राजदा के ऊपर कायम है बनू उमैया को हजरत उस्मान के पीछे क्यों छुपाते हो बिन अब्दुल अजीज के पीछे और फिर चलो ये भी बता दो तो। आयत थे मुबाह की तफसीर मुस्लिम शीख से तुमने बयानी की टू एट वन टू बुखारी की कतरे मारा बयान नहीं की चलो यह बयान कर दो कि इस्लाम का पहला मुजद्द उमर बिन अब्दुल अजीज नाइनटी नाइन हजरी में खलीफा बने वन जीरो वन हजरी में बनू मैया ने उन्हें जहर देकर कतल किया सिर्फ अड़तीस साल की उम्र में मेरी फोर्टी फाइव होने वाली है इतनी छोटी उम्र में उन्हें शहीद किया गया उन्होंने कौन सा गंध साफ किया था कि वो मुजद है पहली सदी के बनू मैया का गंध यही बयान कर दो ये भी नहीं कर सकते कि वहाँ वलीफा रहमत अपने शर्गिदों से फरमाते हैं जानते हो अहले शाम हमसे क्यों पूछ रखते हैं शगीदों ने कहा नहीं फरमाया इसलिए कि हमारा यकीद है कि अगर हम हजरत मुआविया के दौर में होते तो हजरत अली के साथ मिलकर उनके खिलाफ कताल करते दें यार ये कोई छोटी बात है मैंने मुझे तो अपनी मोहब्बत की वजह से में आई ना उस वक्त तक तो मुझे इन फ़तवों का नहीं पता था फिर पता है, हर हमारे साथ मदद आती है फिर यह फतवे सामने आ गए ये किताब उर्दू में भी छप दिया हमने तो कभी कहमद का फैसला नहीं किया इनका अपना इमाम का उसद जिससे अदीस है मुस्रद में इमाम इब्नजाद उसने लिखा है तकरीबो तहजीब में इब नकल किया है जुबै रमजान वाली किताब में बायदा इसका जिक्र किया

हाँ, कहते कहता कहता है कि कि मैं हूं हजरत मुआविया पर वाजिब था कि वो हजरत अली की बैत करते नंबर नंबर हुकूमत की खिलाफत की लालच तर्क कर देते जो दिल में उन्होंने छुपाई हुई थी ये अल्फाज उन्होंने लिखे नंबर थ्री उन्होंने कतल उस्मान को अपनी ढाल बना लिया हुआ था और अंदर बगावत छुपाए हुए थे वो कह रहे हैं ये, उस्मान एक जिस तरह पॉलिटिशियंस किया एक तरीका होता है ना सामने कोई और बात रखना अंदर और बात नंबर फोर वो कहते हैं कि कतले मार वाली हदीस हजरत मुआविया की छुपी हुई बगावत जो कतले उस्मान की ढाल के पीछे छुपी थी उसे जाहिर कर देती है अब तो नहीं बता दिया कि अंदर कुछ और था और और नंबर हजरत मुआविया के इस अमल से कुरान सुन्नत दोनों पीठ के पीछे डाले गए महजूर हो गए फिर एंड पे उनको मैं भावी क्लास ले ली एंड पे लिखा लेकिन हमें चाहिए कि ना हम नासबी हैं ना हम राफजी हैं हमें अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए इस मामले में बिल्कुल इसका मतलब है इतना कुछ लिख के भी मुला अली माने मैंने जुबान नहीं खोली हाँ, ना हाँ। इन्होंने ट्रेंड चलाया ट्विटर के ऊपर ठीक है टॉप ट्रेंड बना उसके अंदर 90 मेरे में थे लोगों ने टू -टू -टू, मुसीबत है। मुआज अल्लाह गुस्ताख मोटर बाइक टू एट वन टू <laughs> हाँ, गारियां अब लोग पूछ रहे हैं बाकी जो एक्सप्लाइट करते हैं धरने देके मुझे कटा सकता पूरे पाकिस्तान में इतने वापी है ना उससे दस गुना मेरे स्टूडेंट है तो इनको मैं इस तरीके से अगर करना शुरू करूं मैं नहीं वनबल कर सकता लेकिन हमने कभी किसी को ये तरबियत नहीं किया हमारे अगर कोई स्टूडेंट अपने तौर पर करते हैं ना वो वो मैं उनको उनका डेमोक्रेटिक राइट कहता हूं मैं उनको कभी मना नहीं करता मैं वो चीज़ बयान कर रहा हूं जो इस प्लेटफॉर्म से हो रही है किसी को रोकता नहीं हूं लेकिन मैं खुद इस चीज़ के हक में नहीं हूं हमने ये लगे नहीं छोड़नी है कि हमारे स्टूडेंट धरने दें और अमन बर्बाद करें भाई हमारी एक कोल्ड वार है जंग है इमिली जंग अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह हर घर हर बस्ती हर मस्जिद तक पहुंच गई है उसके लिए कोई ऐसी चीज़ करने की जरूरत नहीं है ना इसकी को टेंशन लेने की जरूरत जी अली भाई अपना कैा वाज करें जी मेरा कीदा यह है कि कुरान बुखारी और मुस्लिम में जो कुछ बयान हुआ है इन लोगों के बारे में वो मेरा कीदा है, खोल के बयान करें करेंट वन टू और खोला सही मुस्लिम सेवन सिक्स। ये तुम्हारे का लड़का मुआविया कहता है कि हम वाविया की बात माने अल्लाह की बात माने सही मुस्लिम शरीफ उन्हें खोल के बाद बयान करा और अमर बिनास का बेटा कहते हैं अब अमर बिना पहले तो खमोश होकर हैं कि मुआविया की बात करो कामों में जो अल्लाह उसके रसूल के अंदर और जहां पर नाफरानी करे तुम उसकी नाफरमानी करो ये सुनना है मुझसे अब आपने आपने बुखारी की आपने मुझसे इकतालीस सौ आठ सुननी है कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर के बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं और हबीब बिन मसलमा कहता है कि तुमने वहीं मुआविया को जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने कहा मैंने रादा किया अपनी घोट खोलू और इसको जवाब दू कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है कि तुम बाप बेटा को जिन्होंने इस्लाम की खातिर मारा हुआ है तुम लोग काफिर थे और हम मुसलमान थे फिर मैं फितरे के डर से खामोश हो गया खून रेजी के डर से खामोश हो गया फिर मुझे जन्नत की नहमतें याद आई और मैंने उन्हीं पर लिया और अबीब बिन मुसलमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश रह के अपनी जान भी बचाली भी बचा ली एक मामू ने दूसरे मामू से अपनी और जान बचा ली। जिन चीजों के ऊपर तुमने मुझे ब्लेम किया मेरे खिलाफ एक झूठी एफ आई आर कटवाई वो तो अब सब जुडिसी केस है वो कोर्ट में चल रहे है। हम उसके ऊपर अभी नहीं बोलेंगे जब तक कि वो फाइनल कंक्लूजन की तरफ नहीं आता जिन चीजों के ऊपर तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो वो एग्जैक्टली exactly कुरान बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक है उससे बढ़कर तुम्हारे नजदीक हमारे लिए तो कुरान और सुन्नत काफी है तुम्हारे बुजुर्गों के अकवाल से मैंने वो सारी बातें बता दी इसके बाद कौन सी गुंजाइश रह गई है कि तुम भागो जड़े बढ़ो ना आओ मैदानिश गल करो जवाब दो उन बातों का वो देखो जो एक गला फाड़ने वाला मौलवी ठीक है जी हालत देखें उस बंदे की उसने तो जिंदगी मौत का मसला बनू मैया को बना लिया हुआ है ठीक है ना और ये हालत हो गई है कि इनकी जुबानों से अल्लाह ताला कैसे इनकी गिलाजतें उगलवा देता है एक दीस घड़ी हुई क्या ना ये मिर्जा जहल में छुपा हुआ राफी एहले सुन्नत का लिबादा उड़ा हुआ वो बदबख्त हर वक्त हर टाइम इस खानदान के ऊपर हमला इस खानदान की और तशनी करना एक आदीश गड़ी हुई है एक अदीश गड़ी हुई है एक आदीस घड़ी हुई है यानी मफहूम घड़ा हुआ हदीस तो दुरुस्त है कहता है अम्मार को फिया बागिया कतल करेगा वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा मिला वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा और ये जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था ना मोदल यह अमीर मुआविया का था अमीर अमीर मुआविया मुआविया ने किया था अमीरे की तरफ बुलाने वाले जी जी। बुखारी शरीफ की हदीस को उसने ये बोल दिया कभी रफ उदैन की हदीसों को कोई वाबी बोलेगा घड़ा हुआ ये जब तक अंदर फतूर इतने लेवल पे ना हो ना कि जुबान से उगलना शुरू कर दे बंदा ये गटर भरता है तो ये उगलता है ये ना समझे कि ये गलती से निकला है उसके मुंह से वो अंदर खुमार है जो निकलाया फिर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो इंजीनियर पकड़ लेगा गए नहीं हदीस तो ठीक है मफूम है तू दस मफूम के है आया ना दर्द दस के ही मफूम चल तू दस दे इस हदीस का मफूम बयान कर दो कहते हैं जी वो नबीलाम ने फरमाया हजरत अम्बार के बारे में वही है अम्बार अफसोस है अमारू एट वन टू मशहूर है जमाना टू एट वन टू हाँ नबी की तमीर के दौरान साहब हेल्प आउट कर रहे हैं बाकी साहबा ने एक एक पत्थर उठाया हुआ है अमार यासिर ने दो पत्थर उठाए हुए हैं फिफ्टी प्लस एज है हजूर वर् पत्थर अपने वाले नहीं समझने बड़े वाले पहाड़ी पत्थर ईंटें नहीं हजूर को इतना प्यार आया आपने अपने मुबारक हाथों से सर और दाढ़ी से मट्टी झाड़ी और फरमाया वही हामार अफसोस अमार तख्तुलहुफी अतुल बागिया तुझे एक बागी गुरोह कत्ल करेगा यदरू हम इलाह और एक हदीस में यदरू इलल ज़न्ना वो पुकार रहा होगा बुला रहा होगा अल्लाह की तरफ और जन्नत की तरफ उनको यानी वो बागी जमात को वह याद रू ना होंदार और वो जमात जो है वो दोजा की आग की तरफ बुला रही होगी अब ये इतने सख्त अल्फाज यज तो पहले से मौजूद थी इसका फाम बयान किया हुआ है मोहदिन ने कि कोई भी जो हराम काम है वो जहन्नम में ले जाने वाला काम है इन्होंने तो नहीं शराब बयान करनी मैं कई दफा बयान कर चुका हूं आज फिर कर देता हूं झूठ बोलने वाला जहन्नम की तरफ जाने वाला अमल कर रहा है इसको जहनमी नहीं कहते वो अल्लाह ने फैसला करना है अल्लाह तारा चाहे तो माफ कर दे अमल जहनम की तरफ लेके जाने वाला है खलीफा राशिद की मुखालफत करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है क्यों इसलिए के कुरान में हुक्म है व व रसूल उलिल अतीसूल अल्लाह की भी रसूल की भी और अपने हुक्मरान की भी लेकिन कुरान सुन्नत के दायरे में साथ ही आ गया फा फी व रसूल अगर झगड़ा हो जाए फैसला अल्लाह और उसके रसूल से करवाना है तो अली खलीफा राशिद थे उनकी ताद वाजिब थी इस वजह से ये बात हुई कि वो खलीफा राशिद की मुखालफत कर रहे होंगे तो सही मुस्लिम में हदीस है जो इमाम वक्त बैत के बगैर मरा वो जहलीत की मौत मरा बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जब पुरफितन दौर आए तो जमातुल मुस्लिमीन और उनके इमाम को पकड़ लेना ए तो आड़ी जमातुल मुस्लिमीन नहीं जब खलीफा राशिद हो उसको पकड़ लेना हती के मुस्लिम में यहां तक अल्फाज है कि अगर एक खलीफा की बैत हो जाए और जो उसके मुकाबले पर खड़ा हो उसे कतल कर दो और ये तो कुरान में भी है सूरतरात के अंदर अगर मुसलमानों का को कोई गुरु बागी हो जाए उसके खिलाफ कताल करो यहां तक कि वो तोबा पर अमादा हो इसी के तहत तो जंग से लड़ी है ने तो वो बयान करते हुए कहता है जी फी अतुल बागिया तर्जमा ही नहीं कर रहे फी अतुल बागिया और हदीस पढ़ के कह रहा है मवाद अल्लाह ठीक है हाँ अब वो तवीर ये कह रहा नहीं मैंने मौाँ... वैसे मोजल्ला लफ्ज नहीं होता माज अल्लाह होता है तो नाम होता है ना साद इब्ने मुआज ये मीम के ऊपर जबर है माज अल्लाह अल्लाह की पनाह में आते हैं उसने इस पे भी माजअल्ला कहा हदीस पढ़ने के बाद और उसके बाद उसने कहा कि ये कहता है कि वो गुरु हजरत मुआविया का होगा रजी अल्लाह तवाजल्लाज अल्लाह अलग हैदीज तो मवाज अल्लाह तू पढ़े ये गुस्ताखी है हम आप पे 295 सी नहीं लगवाएंगे हम आपको दावत तोबा देंगे ये हमारा काम नहीं एफ आई कटवाना या किसी की लाइफ को वनरेबल करना हम आपको कहेंगे आप आके तोबा कर ले और वैसे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है आके कि मैं हदीस पे नहीं कर रहा था लेकिन वो जरा दोबारा देखें आपने हदीस पे भी मज्ला बोला हुआ है उसकी अलग से मुआफी मांगे हाँ कि जो हदीस पे मैंने बोला था बस ठीक है तोबा कबूल है हमारे नजदीक तो जो भी बंदा बड़े से बड़ा भी को गुनाह करता है तोबा कर ले काफी है। हमने क्यों एफ आई आर कटवानी है उसके ऊपर अब अग्गे दिशा बयान करो वो फिर मुश्किल बन जाएगी चले जो आपके लिख गए ना वही बयान करते हो ना करियो असलाफ का रास्ता छोड़ दिया आपके असलाफ ने जो कुछ लिखा है वो बयान कर दे वो फिर ये तो नहीं बयान करते थे फिर मैंने बयान किया कि यार इनके असलाफ तो बहुत कुछ लिख के गए हैं जो इनकी कांपे टांगेंगी वो मैंने एक एक करके दिखाया से शुरू करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल साहब के जो बेटा है अब्दुल्ला उसने किताब लिखी सीरत रसूल मैंने तो गन पॉइंट पे नहीं लिखवाई 200 साल पुरानी किताब उर्दू तर्जमे से ये छाप रहे थे इनको पता ही नहीं था उसमें क्या लिखा हुआ है हा उसमें उन्होंने लिखा है कि हज़रत माविया रदी अल्लाह ने शहादत उस्मान का झूठा इल्जाम इल्ज़ामजरत अली पे लगाया और अल्लाह ने मौला अली को बरी कर दिया अब देखें क्या जुमले वो लिख रहे हैं यानी वो पूरे का पूरा नैरेटिव ये मान रहे हैं कि ये सारे के सारा ड्रामाबाजी चल रही थी फिर उन्होंने लिखा बनु मैया साठ साल तक मेम्बरों से हजरत अली के लिए तनखीस के जुमले बोलते रहे शतम करवाते रहे अल्लाह ने मौला अली की शान को बुलंद किया फिर उन्होंने मुसनद अहमद की वह हदीस लिखी है जब हजरत रजियाल्ला को आकर अमर बिनास कह रहे हैं कि वो अमार कतल हो गया ये कह रहे हैं जी बागियों ने मार दिया खारजियों ने मार दिया जीत की फौज ने मारा है वो तो मान रहे हैं एक निके अधा साहब ही है इबनेस्कलानी ने कहा उसे वो हदीस कफायत कर जाएगी मुस्लिम शरीफ की के जो असाबन है उनको जहनम की आग्न छुएगी तो सिलसिला सया में शेख अलबानी वाबियों के इमाम इस दौर के इमाम बुखारी नाइन 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 में फौत हुए सऊदिया के मुहदे आजम रहे अल्बानिया के रहने वाले थे उन्होंने सिलसिले हदीसे सया में टू थाउजेंड एट नंबर हदीस के कॉन्टेक्ट में लिखा कि यह तावील मुश्किल है जब रसुल्ला का हुक्म खास आ गया तो उसकी फजीलत अ शजरा वाली उठ गई कि मार का कातिल और माल लूटने वाला जहनम की आग में है मैंने तो नहीं शेख अलबानी से ही लिखवाया ठीक है शेख अलबानी को ये राफजी भी नहीं कह सकते हाँ उन्होंने ना नासमियों को छोड़ा है ना राफजियों को छोड़ा है और यह भी नहीं कह सकते इज्तहा गलती हो गई है नहीं फतवे चाहिए नीम राफजी फुल राफजी वाले तो वो मोहम्मद बाब के बेटे ने अब्दुल्ला ने कहा कि ये हदीस के कि अमरबिनाश जब आए तो माविया ने कहा तुम अपने पेशाब में फिसल रहे हो हमने इसे मारा है इसको तो अली ने मार दिया है हमारे नेजों के दरमियान ला के फेंक दिया है। ना ये साथ लेके आता तो ना वो कतल होता नाउज बिल्ला इतनी दूर की दूर की तावील भी नहीं कहना चाहिए वन एटी डिग्री तो जब मौला अली को खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसका मतलब है कि हमजा का कातिल رسول الله تھے کیا نعوذ باللہ کے نہ لے کے آتے میں ايها الامير قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئه الباغيه ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء لقد قتله من جاء به! لقد قتله من جاء به! لقد قتله من جاء به! إن صح تأويل معاوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة. हु हु एक फर्जी बात हजरत अली ने की मोटा दिमाग जिनका होना उनको समझाने के लिए अगर ये बात मैं करता ये कहते हैं देखो जिसने फर्जी बात की है तो गुस्ताखी हो गई कि हजरत हमजा भाई जब हम एक समझाने के लिए बात कर रहे होते हैं वो गुस्ताखी नहीं होती हजरत अली ने भी तो फर्जी बात की ना कि हमजा का कातिल का फिर रसुल्ला थे ये पकी थी मोला अली ने कैसी जबरदस्त पकी थी आज तक डकार आ रहे हाँ। इसलिए मैंने कहा मेरा नाम अली है रखना एक ना दूसरा औलाद मैं मंगोला मंगोला दिया हाँ। तो सूफी भी मंगोला ने अल्लाह की तरफ से अजाब बन के नाजिल हुए मंगोल जब काबे को मिल गए पासबा सनम खाने से तो आज आपके जो जाली सूफिया है ना उनको इलमी तौर पर अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म से हम एड्रेस कर रहे हैं तो वाबी अपने घर की पहले खबर लेना जवाब दें आज तक किसी वापी ने जवाब दिया इन बातों का इस किताब को भी नहीं वो डिस्कस करते डरते हैं।, हैं तो इनकी कितनी बार बोलती बंद हो तो आपको यकीन आएगा कि इनके पल्ले कोई शायद नहीं है बिल्कुल क्लियर कट है बिल्कुल वन साइडेड मुकदमा है फिर वो बार बार मोबाइल लेके चैलेंज कर रहे मैंने इसको एक कहा था कि तू मोबाइल वाली मेंबर से बयान कर दे और कोई जेलमी हो या कोई फैसलाबादी हो या कोई झालवी हो अल्लाह के फजलोकम से उनको ललकारते रहेंगे उनकी आंखों में आंखें डालते रहेंगे मरतेम तक अजमत रसूल के ऊपर और अजमत साहबा के ऊपर इनको मुबाहले का चैलेंज देने के लिए तैयार है जब चाहो हमारे मरकज में आओ जब चाहो हमें जेलम में बुला लो तालो ना वहना व निशा कुम वन फुसाना वन फुस सुम्मा लानत लाहिल हमें के सांस रही है और साथ इसकी शरा और सलफ का फाहम इबिया ने इस हदीस के कॉन्टेक्स में सुनना में क्या लिखा है वो भी बयान कर देना है टाइम क्या मत तक है कर बयान जवाब दे रहे हो कहते हैं वो शरह के विषय पढ़ गया और कहते अधीश बयान करो यार दीस से अधिसीस बयान कर रहे हैं कहीं के ना तो मैं कह रहा हूं कि फतावा लमगीरिया पढ़ना शुरू कर दो मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम शिव की दीस सिक्स डबल टू जीरो बयान कर दोमें क्या लिखा हुआ है नहीं बयान कर सकते उसमें वो चीजें आ जाएंगी जिनसे इनकी कांपे टांगती हैं आमारा मुआविया मुआविया ने हुक्म दिया और पूछा के तुझे कौन सी चीज मना करती है कि तू तु अबू तुराब के ऊपर सब ना करे ए जी वो सब का मतलब ना जी तनकीद भी होता है हाँ हाँ रुको जरा सबर करो सिक्स टू नाइन नो दिशे आगे चले जाओ तो वो सब का तर्जमा हुआ है लान अबराब जी तनकीद नहीं लानत के अल्फाज हैं बनू मैया लानत करवाते थे मिम्बरों से तक उस्मानी साहब ने ना अमीर शाम के दिफा पे किताब लिखी है उन्होंने कहा यार ऐसी तो कोई रिवायत की किताबों में नहीं एक बुखारी में मिलती है उसमें भी सबका लफ्ज है हालांकि बुखारी की थ्री सेवन जीरो थ्री हदीस मुस्लिम में भी मौजूद थी वहां लाला मौजूद था लेकिन इसको तोफीक नहीं हुई कि वो हदीस वो नकल करता या तो यह जाहिल था इसे पता ही नहीं था कि इसका तरीक मुस्लिम में है या फिर यह मुनाफत कर रहा था चले हम दूसरा माना नहीं लेते हम कहते हैं जाहिल हैं यही तो हम आपको कह रहे हैं कि आपके लुमा जाहल हैं अगर ये माना नहीं लेना फिर ये लोग मुनाफिक हैं छुपाते हैं उलमा यहूद का किरदार अदा कर रहे हैं और लानत के मुस्तक हो रहे हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 159 और 160 के तहत जब तक कि ये हक हाँ बयान ना करे और आखिरत में जामिया जामया तिरमिजीबुद और मिशकात के अंदर भी हदीस है उसके तहत इनके मुंह में आग की लगाम क्यामत के दिन डाली जाएगी सारी चीजें फिट होंगी ना फिर फैसला कर लो क्या मानना है इनको जाहिल मानना है या मुनाफिक मानना है आप खुद ही फैसला करें तो वो चीजें ये नहीं बयान कर सकते अभी वकास ने कहा मैं कभी भी अली को बुरा नहीं कहूंगा तीन बातें ऐसी मैंने सुन रखी हैं मुझे एक भी मिल जाती सुरख ऊंटों से बेहतर था सुन मुआविया जब गजब तबू का मौका आया नबीसलाम ने फरमाया कि अली की मेरे साथ वही नस्बत है जो हारून की मूसा के साथ मगर मेरे बात कोई नबी नहीं क्योंकि रसुल्ला छोड़ के जा रहे थे हजरत अली रो पड़े पहला और आखिरी मौका था कि आप जंग में साथ नहीं जा रहे थे हजूर ने आपकी तसली के लिए फरमाया दूसरा मौका हैबर के मौका पर फरमाया कर उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और इससे बढ़कर अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं हम पूरी रात इस खुशी में सोए नहीं कि कौन वो खुश नसीब होगा और सुबह मौला अली को हजूर ने बुला के वो झंडा दिया और मुस्लिम शरीब में तो अल्फाज हैं हजरत उमर कहते हैं मुझे कभी जिंदगी में इमारत की ख्वाहिश नहीं हुई थी सवाय उस दिन के कि वो झंडा मुझे मिल जाता जी और तीसरा मौका जब नजरान के ईसाई आए और सूर्य इमरान की आयत नंबर आयत मुबाहला नाजिल हुई इस्लाम को हुक्म दिया गया अपने बेटों को ले आओ अपने घर वालों को ले आओ औरतों को ले आओ खुद भी आ जाओ और ओपन मैदान में जो है वो अल्लाह के हजूर गिड़गड़ाते हैं तो रसुल्ला सईदा अली हसन हुसैन सईद फातमा को लेकर आए और अर्ज की अल्लाहबैती हा है हालांकि हजूर की नौ बीवियां थी उस वक्त किसी को निशाद लेके आए उसमें तो था औरतों को भी आए, स्पेशल प्रोटोकॉल दिया ये तीन फजाइल हैं, जिसकी वजह से मैं कभी अली को बुरा नहीं कहूंगा और इब्र माजा में तो आगे चौथी फजीरत भी आई है मनकुन तो मौला, फादा अली मौला। गदीर खुम का भी जिक्र किया और ये सेम सनद मुस्लिम शरीफ की सुन कुबरा के अंदर अली वाले चैप्टर में मौजूद है उसमें आगे कहता है कि जितने दिन मुआविया फिर मदीना शरीफ रहे हजरत अली की तनकीस का एक जुमला भी अपनी जुबान से नहीं निकाला ऐसी डांट पिलाई मेरे बाप ने लिहाजा इमाम नब्वी ने जो कहानी कराई थी ना कि वह फजीलत सुनना चाह रहे थे कि बाकी लोग तो गालियां देते हैं आप मुझे कोई हजरत अली के फिजायल सुनाये मैं इनको कायल करो किडी दूर दी कहानी और आठ 800 साल पहले फोत हो चुका है उसका हाल यह है अधीश की शनासाई का कि वो कह रहा सुनना चाह रहे थे काश वो अदीस पढ़ लेता सुनने साइल कुबरा के अंदर पता चल जाता उसको भी या पता नहीं चला तो या जानबूझ के उसने किया नब्बी का हाल है तो तुम आजकल मोलियों लेके बैठे हुए हो कम शुरू तो पैंता आया भाई हां जब दो फिरके बन जाए ना फिर काम डलना शुरू हो जाता है ये जेन में रखिएगा फिर आपने दूसरे की गलतियां बतानी है अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालना ये सिंपल फार्मूला है। ओ जी नबीसलाम ने फरमाया मेरे साहबा को बुरा मत को बिल्कुल जी हम ही तो इस हदीस पर अमल कर रहे हैं कि जिन्होंने मौला अली पे लामते करवाई हम उनको भी रदील लानो कह रहे हैं हम इसी भी तो अमल कर रहे हैं तुम तो यदीस पूरी नहीं बयान कर सके मुस्लिम में यह पूरी हदीस है सिक्स फोर डबल औफ को गाली दे दी थी हजरत वलीद ने तो ने कहा खालिद तू मेरे को बुरा मत कहो अब तुम ओह पहाड़ के बराबर भी सोना सोनात कर दो मेरे ने जो एक मुद छे ग्राम आधा किलो उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता साढ़े सात किलोमीटर पर फैला हुआ औहद पहाड़ चटियल उसके बराबर सोना भी कोई खैरा कर दे एक साहबी की इतनी सी गंदुम उसका मुकाबला नहीं हो सकता सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाए सोने के एतबार से आप कैलकुलेट करें इसलिए मैंने कहा था कि अम्बार यासर को अगर कंपेयर करवाएं तो करोड़ों अरबों मुआविया स्टेबल जितनी जगह पर पूरे हो जाएंगे सोने की कीमत को अगर आप कैलकुलेट करें औ पहाड़ को तो आप छोड़ दें हजरत है अम्बार के मुकाबले पर हमारे मुकाबले पर नहीं बात हो रही ये तो सबसे पहले हुक्म ही उन लोगों का था यह भी हदीस आदि तुम लोगों ने बयान की पूरी हदीस बयान नहीं कर सके कार इस पे मैं तो घंटों बोल सकता हूं हनफियों को बारे मैंने भी ताजा ताजा एक तोहफा दिया है आ, कहने जी अली भाई कहने देने जी कि मैं उस दौर में होता तलवार उठा लेता तो भाई क्या करता और मौला अली मेरी ड्यूटी लगाते तो मैंने नारा हैदरी लगाना था ना हाँ मैंने सियासत मुआविया सीधा बात तो नहीं कहना था मैंने तो कहना था खिलाफत राजदा हकचार यार हाँ भाई हजरत अली ने एहल जमल पर तलवार उठाई एहल सिफीन पर उठाई एह नहरवान पर उठाई तो वहां मैंने न्यूट्रल तो नहीं होना था हाँ मैंने तो मानना था जालियत की मौत मार जाता। मुस्लिम शी में खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जाहलीत की मौत मार गया मैं तो बैत तोड़ के तो गुनागार होता तो मानना था उलिल अमर मिन कुम सुर दूसरी बात उस जमाने में तो हम भी साबी होते हैं और जब दो साहबा लड़ पड़े आपने तो बोलना ही नहीं बीच में चलो न नो ना दा तले अंदाजा कर और बेईमानी ये है वो कराची का जो मुफ्ती है वाबी देवबंदी और जो लाहौर का वाबी अले दीस है दोनों ने मेरा क्लिप आधा काटा उसमें आगे अल्फाज थे ये कहते नहीं हमें इससे भी कोई नहीं इतना असल मसला जो आपने कहा हम अपनी जुबान खोलेंगे मैंने कहा जुबान खोलेंगे कि जो कुछ नबीस्लाम ने फरमाया अपनी जुबान हदीस के मुताबिक खोलेंगे इन्होंने कहा कि जुबान खोलेंगी अगला ऐसे ही काट दिया तो मैं जुबान ना खोलूं जो रसुल्ला ने फरमाया कि अमार को बागी जमात कतल करेगी अम्बार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे वो जमात जहनम की तरफ बुला रही होगी अब इन्होंने नया डकोसला बनाया हुआ इनको छुपा लेते हैं जाके अहले जमल के पीछे वो जी इज़तलह जुबैर सईद आयशा भी ओ भई उनका स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट है उनको तो मोलानी ने माफ़ किया हुआ है जी मुसनब अबी शाहबा में मौजूद की किताब में अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये जो आयत है सूरतल हिजर की फोर्टी सेवन के क्या के दिन अहल ईमान के दिलों से अल्लाह तूसरे के बारे में नफरत निकाल देगा और वह तख्तों पर आमने सामने बैठे हुए होंगे कि मेरे उस्मान बिन अफान तलहा और जुबैर के बारे में मोला ने तो उनको बिल्कुल क्लियर कट चिट दे दी है वो तो मामला ही डिफरेंट है हजरत जुबैर भी जंग छोड़ गए थे अल हाकिम के अंदर मौजूद है हजरत तलहा भी जंग छोड़ गए हाकिम के अंदर मौजूद है मरवान ने उनके घुटने में तीर मार के शहीद कर दिया लेकिन मोलाअली ने वाफ नहीं किया नाजला पड़ी है अल का भी मुआविया ही अमर अबन आस व अशिया ही अल्लाह मुआविया और उसके शिया को तबाह बर्बाद कर अमर अबनाश और उनके शिया को बर्बाद कर अबा सलमी और उनके शिया को बर्बाद कर आमीन ये आज तक मौजूद है और फिर इस्लाम ने जब उनसे एल सिफीन के बारे में पूछा गया उन्होंने कहा कि मेरे साथी तो है ही जन्नती है मैं मुखालफी के बारे में भी अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अल्लाह उनको बख्श देगा फिर क़यामत के दिन मेरे और मुआविया के दरमियान मुकदमा तय होगा जो यहाँ वाबी बैठ के खुद तय कर रहे हैं हाँ और गजाली को पता नहीं शतान ने को ख्वाब दिला दिया जी मैंने ख्वाब में देखा है कि एक महल है जिसमें हुजूर बैठे हुए हैं हजरत मुआविया को बुलाया जाता है हज़रत अली को बुलाया जाता है थोड़ी देर बाद हज़रत माविया निकलते हैं और कहते हैं वल्ला मुझे बख्श दिया गया और हज़रत अली निकलते हैं और कहते हैं वल्ला मुझे मेरा हक दिला दिया गया एक ख्वाब ख्वाबा होते दिन खिलोते हैं नदा हमारे उत्ताद डॉ बेचारे अपने भोल में यह दीस जो थी ना जो हजरत के बारे में थी उन्होंने मामू का नाम बीच में वैसे ही लिख दिया कुरान में रिकार्ड हो गया फिर मैंने कहा कि अज़रत क्या कर रहे हैं आप दार दार इस, इस, इन पर का भी है

मामू मामू करते रहते न और फिर किस तरह बनू उमैया का नाम लें तो फौरन हजरत उस्मान का नाम ले आते हैं भाई हजरत उस्मान उमर बिन अब्दुल अजीज ये तो आले उमैया में ऐसे हैं जैसे आले फिर मूसा इनके पीछे क्यों छुपते हो जाके हमें बताओगे हमारा तो मुकदमा खिलाफ दे राजदा के ऊपर कायम है बनू उमैया को हजरत उस्मान के पीछे क्यों छुपाते हो उमर बिन अब्दुल अजीज के पीछे और फिर चलो यह भी बता दो आयते मुबाह की तफसीर मुस्लिम शरीफ से तुमने बयान नहीं की टू एट वन टू बुखारी की कतले मारी बयान नहीं की चलो यह बयान कर दो कि इस्लाम का पहला मुजद्द उमर बिन अब्दुल अजीज नाइन हिजरी में खलीफा बने वन जीरो हिजरी में बनू मैया ने उन्हें जहर दे के कतल किया सिर्फ अड़तीस साल की उम्र में मेरी फोर्टी फाइव होने वाली है इतनी छोटी उम्र में उन्हें शहीद किया गया उन्होंने कौन सा गंध साफ किया था कि वो मुजद्दीद है पहली सदी के बनू मैया का गंध यही बयान कर दो ये भी नहीं कर सकते जी उमर बिन अब्दुल अजीज भी तो बनू मैया से जी बिल्कुल वो मुजद्दिद है जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या किया ना ना पूछो फिर ब्रेक लग जाने ने। आफतुक मिनून अबिल किताब व तकफ़रून बिबाद यकीन करें हमारे एक बड़े करीबी पाकिस्तान लेवल के अहले हदीस आलिम है सिक्सटी प्लस उनकी एज है वो तो मुझे कहते हैं इंजीनियर साहब मैं कटर नास भी था फिर अल्लाह ने हदायत जब दी तो मैं इस रिज़ल्ट पहुँचूँ कहते हैं मैं कुरान पढ़ता था मैं कहता था उलमा यहूद जो कुछ करते थे तो आज मुझे ये उलमा, उलमा यहूद की मिसाल नज़र आते हैं जिस तरह ये ये जानबूझ के अदीस के साथ ये कुछ कर रहे हैं जिनको नहीं पता उनको तो छोड़ दे इसीलिए बखदू भी अली मुँह में अभी तो नहीं बाबा जी ने क्या छाड़ दियो ना दीकड़ी गाल ये सूरा दे सूर ने हाँ सूरा दे सूर हम हाँ, नहीं कह रहे बाबा जी ने कहा है हाँ बाबा जी ने कहा कहना होना बड़े अंदर लास मंगो तो बड़े बड़े लोग अन गदावन उख़यर प तो अब ये जो आने इधर कटा दब है ये तो चल चलिए तू भावे कह के एक तस्बी में परोया हुआ इ اتحاد हो चुका है हमारे मुतालबात आपके सामने हैं हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस जो बंदी और बरेलवी اتحاد एक तस्बी की तरह हो चुका है एक قوت और ताकत बन चुका है वर्ड के परे मारी तेरी तस्बीह ने जो मर्जी कर लो तो अल्लाह से डरे हमने ये सारी की सारी बातें अब इनके इमामों से साबित की हैं कि अल्लाह के बंदो इमाम अबूनीफा के फजाइल पे किताब लिखी गई आज से 1100 साल पहले 340 सौ चालीस में फौत हुए अबू मोहम्मद हारती जिन्होंने इमामफा के फजाइल पे किताब लिखी है उसमें बाकायदा उन्होंने पूरी सनद के साथ लिखा है वो कहते हैं जी वो तो ही बंदा ही जयीफ है वो बंदा जयीफ तो अल्लाह के बंदे वाभिया ने नजदीक है ना अनफिया इमाम है वाभियों के नजदीक तो इमाम मुनीफा खुद जईफ़ है हाँ हदीस की फील्ड में तो वो उसके अंदर जो चीज है वो तो लेनी है ना आपने के इमाम मुनीफा रहमत अपने शागिदों से फरमाते हैं जानते हो अहल शाम हमसे क्यों भूख रखते हैं शागिदों ने कहा नहीं फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत मुआविया के दौर में होते तो हजरत अली के साथ मिलकर उनके खिलाफ किताल करते छोटी बात है कि मैंने, मुझे तो अपनी मोहब्बत की वजह से ये जेन में आई ना उस वक्त तक तो मुझे इन फतवों का नहीं पता था फिर आपको पता है, हर दफा हमारे साथ गैबी मदद आती है फिर यह फतवे सामने आ गए ये किताब उर्दू में भी छाप चुकी है उससे बढ़कर मुफ्ती आजम पाकिस्तान बरेलवियो के मुफ्ती अशरफ खादरी साहब फौत हो चुके मेरी उनसे मुलाकात हुई थी टू के अंदर मराड़िया अफजल कादरी साहब के वो भाई थे गुजरात के अंदर उनका सुन्नत रसाला उस वक्त निकलता था उस वक्त हम भी, ब्रेल भी थे, तो हम मंगवाते थे यहाँ तकसीम करते थे उनकी वीडियो सामने आ गई जब वो मीरे शाम के हाक में नारे लगवाए थे ना कराची वाले बापा जानी ने बेखता बेगुना आविया उसके जवाब में उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई उसमें उन्होंने कहा मेरा तो येदा कि मैं हजरत अली के दौर में होता तो हजरत अली के साथ मिलकर हजरत मुआवजा के खिलाफ करता जो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्ला अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद हो या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता तो मैं तलवार उठा के मौला अली रदी अल्लाह तु के साथ होता और मौला अली रदी अल्लाह तला की तरफ से हजरत अमीर मुआवजिया के लश्कर के साथ में लड़ता था तो ये हमारे अकीदे का तकाजा नासबियों का नजरिया क्या है की जी दोनों मुश्तद थे जी अब हमें ये फैसला करने का हक नहीं पहुंचता कि हम कहें कि कि किसका इश्तेहाद सही था और किसका इश्तेहाद गलत बेकसूर और बेखता हजरत मुआविया ये नारा मुंह में नासबियत है इससे नासबियत की बुआ अच्छा वो उनकी वीडियो कई साल से लोग शेयर करवा रहे थे बाबा जानी के खिलाफ खुद बरेलवी के इसने गलत किया फिर बापा जानी ने रुजू भी कर लिया उस वक्त ये जुमले में गुस्ताखी किसी को नहीं नजर आई सोचा मैंने आपको कहा था ना मैं कहूं ना खुदा एक है और मैं हर वीडियो में कहूं कोई नहीं है दो शुरू कर कहा है तुम्हारे सबसे बड़े इमाम इमाम के बाद वो हैं जिनके ऊपर पूरी हनफियत खड़ी है बदरुद्दीन आइनी जिन्होंने शराह लिखी है बुखारी की अमदतुल आरी 855 फिफ्टी फाइवरी में फौत हुए उन्होंने हदीस मार के कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में एक और हदीस है सेवन जीरो मुसलमान दूसरे पर तलवार सौंध ले तो दोनों जहनवी है वो अक्सर लोग पेश भी करते हैं ये उस सूरत में जब लिसानियत की बुनियाद पर कोई कर रहा हो अगर कोई अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए एक मुसलमान दूसरे पर तलवार सौंपता है ना तो वो कुरान में सूर्य उजरात में हुक्म है कि मुसलमानों का ग्रोह बागी हो तो किताल करो जी इसमें जंग जमत सिफीन नवान नहीं आती है हजरत अली ने तो अल्लाह का हुक्म पूरा किया है तो इसके कॉन्टेक्ट में वो लिखते हैं कि अलामा किरबानी तो कहते हैं हजरत माविया को एक अजर मिलेगा और अली को दो उन्होंने कहा मैं ये कहता हूं कि जब हदीस अम्बार पहुंच चुकी थी हजरत माविया को तुम उन्हें एक अजर की बिशारत कैसे सुना सकते हो क्या हजरत माविया इस पर राजी नहीं है कि उन्हें अल्लाह तला क्या बराबरी छोड़ दे बजाय इसके कि उन्हें एक अजर भी दिया जाए ये इतने सख्त अल्फाज लिखे हमने तो कभी क्याद का फैसला नहीं किया इनका अपना इमाम अम्बल का जिससे अदीसे हैं मुस्द आमद में इमाम इबन उलजाद उसने लिखा है तकरीबो तहजीब में इबानी ने नकल किया है जुबैली साहब ने क्या रमजान वाली किताब में बाकायदा इसका जिक्र किया एक निटोरियस चीज के तौर पर लेकिन उन्होंने माना है कि यह उसने कहा है फिर भी वो सुनियों का इमाम है क्योंकि अम अबिन हम्बल का यानी वाबियों के इमाम का इमाम है वो अली इबन जात वो कहता है क्यामत के दिन अगर मुझे बताया जाए कि मुआविया को अल्लाह अजाब दे रहा है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा अंदाजा करो वो तो पुणे बैठा है हाँ हम अल्लाह नो कह रहे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं फिर उससे भी पीछे इनका बड़ा इमाम ताबी इब्ने सीरीन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है हदीस अजरत मुआविया से ले रहा है और कह रहा है वकान मुआवियतु ला युता फिल हदीस मुआविया से मैं हदीस तो बयान कर रहा हूं लेकिन हदीस बीच झूठ नहीं सी बोल रहा हूं दा। <laughs> हाँ बकर उमर उस्मान की हदीसें बयान करते हुए तो नहीं ने सरीन कहता कि अध... अब वो ये तो नहीं कह सकते वैसे झूठा सी ये नहीं कह सकते कि तरीका ही है वकान मुआवियत ला फिल हदीस हदीस के मामले में उस पर कोई तोहमत नहीं है कि उसने कभी झूठ किया हो हदीस ये तो हमारा भी ये मौके है नहीं हदीस सब ने ये अल्लाह के नबीम ने उनकी इतनी तरबियत की थी कि इससे वो डरते थे इस पर मेरा क्लिप भी रिकॉर्ड हो चुका है इनशाला कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा तो ये उमदादुल कारी वाले को तो किसी ने नहीं पकड़ा फिर मुला अली कारी जी और ये सारे वो हैं जो वाबी भी जिनको इमाम मान रहे हैं मुला अली कारी को तो बड़ा कोट करते हैं उसने मिर्का शरा लिखी है मिशकात की फाइव एट सेवन एट में हदीस आई है वो कतले मार वाली उस कॉन्टेक्स्ट में इतने सख्त जुमले कि मैं कहता हूं कि कैमरे का लेंस फट जाए हाँ। और उर्दू तर्जमा देवबंदियों ने छाप दिया है और सब कुछ लिखा हुआ है उससे भी सख्त बातें लिखी है लेकिन वो मैं बयान इसलिए नहीं कर रहा कि वो ने सिर्फ नकल तो शौक तो करता।, करता हूं जो कारी ने खुद लिखा है कि मैं ये कहता हूं बाकी भाग जाएंगे नहीं उन्होंने तो नकल किया पुराने बुजुर्गों का थे। पुराने ने फिर वो भी दसो ना चले छोड़े उसको मुला अली कहता है कि मैं ये कहता हूं कि हजरत मुआविया पर वाजिब था कि वो हजरत अली की बैत करते नंबर वन नंबर टू हुकूमत की खिलाफत की लालच तरक कर देते जो दिल में उन्होंने छुपाई भी थी ये अल्फाज उन्होंने लिखे नंबर थ्री उन्होंने कत्ले उस्मान को अपनी ढाल बना लिया हुआ था और अंदर बगावत छुपाए हुए थे वो कह रहे हैं कतले उस्मान एक पॉलिटिशियंस किया एक तरीका होता है ना सामने कोई और बात रखना अंदर और बात नंबर फोर वो कहते हैं कि कत्ले मार वाली हदीस हजरत मुआविया की छुपी हुई बगावत जो कत्ले उस्मान की ढाल के पीछे छुपी थी उसे जाहिर कर देती है अब तो हजूर नहीं बता दिया कि अंदर कुछ और था और नंबर फाइव हजरत मुआविया के इस अमल से कुरान और सुन्नत दोनों पीठ के पीछे डाले गए महजूर हो गए फिर एंड पे उनको हुआ कि मैं वावई क्लास ले ली एंड पे उन्होंने लिखा लेकिन हमें चाहिए कि ना हम नासबी हैं ना हम राफजी हैं हमें अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए इस मामले में बिल्कुल इसका मतलब है इतना कुछ लिख के भी मुल्ला अली कारी ये मान रहे मैंने जुबान नहीं खोली <laughs> हाँ। तो फिर इससे तो तो मुनाफिक कह रहा हो क्योंकि इतने डांटे जुमले और किसी ने लिखे आप मुझे बताओ कराची का वो मुफ्ती देवबंदियों का वह देवबंदियों का इस फतवे का क्या जवाब दे बजाय इसके के वो कोई कहानी करा के साइड पे हो जाए हालांकि हमें पता है इससे इसके बड़ों ने बड़ा डांटा है कि तू कितने जाके चकिए आठ दे देता है वो हमें मिलती रहती है ना खबरें हार जा हमारे लोग मौजूद हैं वो दुआएं मांगते हैं सामने ना आके बैठे तो अच्छा ये समझ रहे सामने बैठे तो नुकसान ज्यादा होगा सामने बैठने के बगैर ही इतना नुकसान हो चुका है अल्लाह के फजल से आपके फिरकों को अब इसकी रेमडी मुमकिन नहीं है क्योंकि अब पब्लिकली ये चीज आ गई है इन्होंने ट्रेंड चलाया ट्विटर के ऊपर ठीक है टॉप ट्रेंड बना उसके अंदर कॉमेंट्स नाइनटी परसेंट मेरे हाथ में थे लोगों ने कैडी जी टू एट वन टू एडी मुसीबत है आज अल्लाह गुस्ताख ट्रैक्टर टू एट वन टू हाँज अल्लाह गुस्ताख मोटर बाइक टू एट वन टू गुस्ताख कार अब आ गई है टू एट वन टू अब लोग पूछ रहे हैं भाई टू एट वन टू है क्या इसकी शरा बयान करें शरा कहां से बयान करें उन्हें तो पता है इसमें क्या हुआ वह वो मुसरद अहमद में कितनी हदीसें हैं चार तो मैंने क्रिटिकल अदीस बयान की हैं कि अबुल गदिया से ये सारा अमल हुआ था वो किस जमात के अंदर थे वो इनको पता है तो मैं अब बार बार इन चीज़ों को इसलिए नहीं बोलता कि यार फिर ये उन चीज़ों को पकड़ते हैं नहीं मौजू ये बनाता है भाई मौजू तो डॉक्टर जाकिर नाइक 2009 में यजीद को रदी अल्लाह हो कह के बशारत ना सुनाता तो मैं मैदान में ना उतरता As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, That He he was ferocious and he was and a a a villain, etc. There is difference difference of opinion. opinion We not here to to discuss about history, history. do want to get a difference in the Muslim say, the Muslim Ummah. What say, between the That is history. और जब मैंने जवाब दिया उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा था जब मैंने जवाब दिया तो मेरे पीछे पड़ गए और जब मेरे पीछे पड़े ये कहते नहीं पहले ये कहता था मेरे भाई पहले जब मैं कहता था ना उस वक्त मैं इसलिए कह रहा था कि वो आपका वर्जन था मुझे तो पता ही नहीं था कि असल काम यजीद ने नहीं डाला हुआ जब आपने मेरे खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड कराए ना और इन्होंने इनसे बेवकूफ़ी ये हुई कि जब मेरा वो लेक्चर आया ना 2011, 10 दिसंबर 2011 को उसैनीत और जजदीत का तहकी जायजा उसके बाद इन्होंने बजाय जाकिर नायक को बुरा कहने के मुझे बुरा कहते हुए कि ये तो इसका मतलब है फिर तुम मजदूर माविया को भी आप बुरा कहोगे जिन्होंने उसको लगाया था है? ए मैं किसी न दब जाऊंगा मैंने फिर उस पर तहकीक शुरू की अल्लाह भला का तारुफ हो गया जुबैर से डिस्कशन की मुझे काम ही कुछ और पेगा ठहर जाओ फिर इस चक्कर से मैं दब जागा ना 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 भाई हमारे लिए तो नबी के जैसा है ही कोई नहीं बाबे शे ही कोई नहीं हाँ अच्छा ये जुमले सारे बोलते रहे हैं मुसरद आमद हदीस है अब बास ने है से पत्थर बरस मैं तुम्हें रसुल्ला की तुम अबू बकरी थी ना तो किसी ने इबन अब्बास को यह कहने की कोशिश की हजत मतो पे तो उम्र ने बंदी लगाई थी उन्होंने कहा मैं तो रसूल्ला की बयान कर रहा हूँ कि आपने हजत मतो किया है तुम पे तो पत्थर बरसने चाहिए कि तुम रसुल्ला के मुकाबले पर अबू बकर उमर के अखबाल पेश कर रहे हो तो अगर इबन अब्बास हमें यह कहीदा दे रहे हैं कि हदीस के मुकाबले पे अबू बकर उमर के अकवाल भी नहीं लिए जाएंगे सरकार तो आड़े बाबे थे, शाय कोई नहीं तो उत्थे ही नहीं घोड़े कदम खाक उड़ के नतने चवे तुम जी कहानी कराई है तो भी नहीं बुखारी मुस्लिम में ही है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तुमने जब हजत मतों पर बंदी लगाई तो हजरत अली ने कहा मैं हाज और उम्र इकट्ठा करूंगा मैं किसी शख्स के कहने पर रसुल्ला की सुन्नत नहीं छोड़ सकता फिर तिरविजी में जो अदीस मौजूद है सईदन अब्दुल्लामर उदी अल्लाह उनके बारे में पहले शाम में से एक शख्स आके पूछता कहानी करा रहा है और कहता है अच्छा दसो अगर जो है वो हजित मतों के बारे में क्या हजित मतो जायज है कि नहीं पहले वो केरू डाल रहा है

हमें तो यह बताया गया हमें तो आप लोग कल तक यह बताते थे कि फातिमा भी चोरी करे तो उसके हाथ भी कटेंगे बुखारी मुस्लिम में हदीस है आज आप हमें कहते हैं जनाब ये कौन सी बातें कर रहे हैं भाई कुरान है है हदीस ये किसी की जाती गुफ्तु नहीं है मैं वजू करके बैठा था कि मैं नहीं बोलूंगा इस मौजू पर फिर भी मैं ट्रिगर कीता है हाँ। क्योंकि मैंने जब स्पेशल टॉपिक्स पे बोलना होता है ना उसका मैं सो मोटो लेता हूं वो मैं फिर शुरू में बोलता हूं जिस तरह आज मैं सैलाब के केस में बोला बस मैंने वही करंट अफेयर डिस्कस करना होता है बीच में जो कुछ होता है ना ये आप लोगों की अजीमत जोर लगा रही तो को बंदा ऐसा बैठा होगा जिहे अंदर कोई ऐसी तड़प है कि उदा इखलास जड़ा है ना वो काम कर गया तो अल्लाह ने मेरी जुबान पर ये चीजें जारी कर दी है अदरवाइज मैं आज पक्का करके बैठा होता देखें पिछली इतवार मैंने छोड़ी उससे पिछली इतवार छोड़ दी इस दफा भी रात तक मुझे लोग पूछे मैंने कहा तो, पूछ मैं फाइनल किया, किया। मैंने के बस यही जवाब देंगे जवाब दें हर दफा को इनको पख छोड़ते है ये तो बस इनशा मुनकरीन हदीस हो चुके हैं हमें पता था ये हो जाएंगे वो तो हो चुके हैं ना ये दीशे अब मार की शराब बयान कर सकते हैं ना मुबाले वाली हदीस की बयान कर सकते हैं ना कोई और अदीस ये खोल के बयान कर सकते हैं इनके पल्ले शाही कोई नहीं है सवाए अब मैंने आपको कहा था कि आज तक तो शिया ने अली ने गम मनाया ना अब क्या मत तक बनू मैया शिया जो है ना इनके गम का इनका पिट आपा शुरू हो चुका है इनशाला बाकी ये जो एक्सप्लाइड करते हैं धरने दे के मुझे बताया मैं धरने दे के एफ आई आर नहीं कटा सकता पूरे पाकिस्तान में जितने वापी है ना उससे दस गुना मेरे स्टूडेंट हैं तो इनको मैं इस तरीके से अगर करना शुरू करूं मैं नहीं वनरेबल कर सकता लेकिन हमने कभी किसी को यह तरबियत नहीं किया हमारे है हमारे अगर कोई स्टूडेंट अपने तौर पर करते हैं ना वो वो मैं उनको उनका डेमोक्रेटिक राइट कहता हूं मैं उनको कभी मना नहीं करता मैं वो चीज बयान कर रहा हूं जो इस प्लेटफॉर्म से हो रही है किसी को रोकता नहीं हूं लेकिन मैं खुद इस चीज के हक में नहीं हूं हमने ये लेगेसी नहीं छोड़नी है कि हमारे स्टूडेंट धरने दें और अमन बर्बाद करें भाई हमारी ये कोल्ड वॉर है इलमी जंग है इलमी जंग अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह हर घर हर बस्ती हर मस्जिद तक पहुंच गई है उसके लिए कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं और ना इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत है इनकी क्या औकात है वो अल्लाह के फजल से जब वो चीजें आती हैं मुझे बताएं जब ये वीडियो प्रोड्यूस करेंगे हमें जब बुलाया जाएगा हम बता देंगे कि पूरी वीडियो यूं है ये तो अल्फाज ही नहीं थे उसमें था कि हम बोलेंगे जो रसूलुल्लाह की हदीस है जुबान अपनी बंद नहीं करेंगे खुद क्या बोलना है और खुद तो मैं रदी रदील्ला कह रहा हूं एक लेक्चर में तुम कहते हो कि ये उनको बिल्ला काफिर कहता है।, का है, है खुद से और दूसरी जगह कहता है कि ये रजी यह भी कहता है खुद ब खुद पकड़े जाते हैं ठीक है कभी किसी भी चीज के पीछे छुपते हैं कभी किसी चीज के पीछे जाके छुपते हैं खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए मैंने जो कुछ बयान करना है वो कुरानो सुनने से बयान करना है जी अली भाई अपना कीदा वाजे करें जी मेरा कीदा ये है कि कुरान बुखारी और मुस्लिम में जो कुछ बयान हुआ है इन लोगों के बारे में वो मेरा कैदा है खोल के बयान करें जी खोल के बयान किया सही बुखारी टू एट वन टू और खोला सही मुस्लिम फोर डबल सेवन सिक्स ये तुम्हारे चेचा का लड़का मुआविया कहता है कि हम लोगों को नाक कत्ल करें और हराम तरीके से माल लूटें और कुरान में अल्लाह कहता है सूर्य नंबर ट्वेंटी नाइन के लोगों को नहाक कत्ल ना करो हराम तरीके से माल ना लूटो हम मुआविया की बात माने या अल्लाह की बात माने सही मुस्लिम शरीफ उन्हें खोल के मैं तो बयान करा और अमर बिन आस का बेटा कहते हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस पहले तो वो खामोश होकर सर झुकाते फिर कहते हैं कि मुआविया की इताद करो उन कामों में जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के अंदर है और जहां पर वो अल्लाह की नाफरमानी का कहे तुम उसकी नाफरमानी करो ये सुन रहे मुझसे अब आपने आपने बुखारी की आपने मुझसे इकतालीस सौ आठ सुननी है क्या मैं अब्दुल्ला बिन उमर के बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं और हबीब बिन मसलमा कहता है कि तुमने वहीं माविया को जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने कहा मैंने इरादा किया अपनी घोट खोलूँ और इसको जवाब दूँ कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है कि तुम बाप बेटा को जिन्होंने इस्लाम की खातर मारा हुआ है तुम लोग काफिर थे और हम मुसलमान थे फिर मैं फितने के डर से खामोश हो गया खून रेजी के डर से खामोश हो गया फिर मुझे जन्नत की नेमतें याद आईं और मैंने उन्हीं पे कफायत कर दिया और हबीब बिन मसलमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश रह के अपनी जान भी बचा ली इज्जत भी बचा ली एक मामू ने दूसरे मामू से अपनी इज्जत और जान बचा ली अब्दुल्ला बिन उमर मामू नहीं है अब्दुल्ला बिन उमर का कातिल कौन बनु मैया सही बुखारी में अजाज बिन यूसुफ ने नेज़ा मरवाया मोहम्मद बिन अभी बकर का कातिल कौन हाकिम खोले सही मुस्लिम में भी मौजूद बनू मैया अब्दरमान बिन अबी बकर का कातिल कौन बनु मैया सही बुहारी में नहीं है फोर एट टू सेवन जब वो मरवान कहता है कि अल्लाह ने मीर उमोमिन को सुझाया है, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बेटे यजीद अपने माविया को अपने बाद खलीफा चुनना चाहते हैं ओ अब्दुलमानीन अभी पकड़ खिल हो गया उन्हें क्या है सीधी तरह कह तेरा मीराम कैसर किस तरह के तरीके पे चलना चाहता है अब बकर उमर के तरीके पे नहीं लेकिन बुखारी ने लिखा कुछ कह दिया लेकिन इमाम हाकिम ने सुन्नसाइल कुकुबरा के अंदर पूरी तफसी है और सूर अहकाफ की आयत नंबर में इबन कसीर ने सारी चीजें जमा कर दी है इबन कसीर कियीन क्योंकि वो आयत पड़ी थी उसने फड़ो अब्दुलरमान बीन नबी बकर वो भाग के घुस गए हजरत आयशा के उजरे में तो बाहर से बकवास करना शुरू हो गया अबू बकर के बेटे तेरे बारे में है कि तूने अपने मां बाप से कहा था कि ये जो तुम मुझे कहते हो मरने के बाद जिंदा किया जाऊंगा अगले लोगों की कहानी है तू कुरान की बेहमदी करता था तू काफिर था उस वक्त तो हजरत आयशा ने कहा उसको खामोश हो जा आले अभी बकर के बारे में सिर्फ वो आयात हैं जो मेरे बारे में सूर्य नूर में नाजिल हुई हैं और हाकिम में और बाकी किताबों में है जो इबन कसीम नकल किया उन्होंने कहा तेरे बारे में था कि हकम पे लानत उसकी औलाद पर लानत तू उसी हकम का बेटा है ना तू अपने बाप की पुश्त में था तो अल्लाह के नबी तुझ पर लानत करके गए हैं जी ये मैं बयान करूं फिर चले इसकी शराब बयान कर चीज मैं बयान करा जो जो चीज खोलूंगा आप उसकी जब शराब बयान करने होंगे तो फिर आपके लिए कांपे टांगेंगी इसके लिए मैंने सारे मसले खत्म कर दिए मैंने करबला के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिख दिया फाइव बी दो सो आदिश जमा कर दी दिए और कराची का मुफ्ती उसके बारे में भी अल्लाम क्या कह रहा था नम् लफ्ज बोल रहा था हाँ अदीसा नु कहते हैं इन्हों की जुबाना लड़खड़ा गई ने सारे अखलाकियात इनके खत्म हो गए और पढ़ो नू बुहारी मुस्लिम है उसमें ज्यादातर बाकियों के ऊपर तहकीम लगी हुई है शेख अलबानी की शेख जुबैली जई की शेख शुब अरनौद की रही मोहम्मद सुलैम असद की गुलाम मुस्फा जहीर की इरशादुलक असरी की एक अधिसीस ऐसी नहीं है जिसके ऊपर किसी न किसी इमाम की तहकीम सेहत वाली ना लगी हो दो सौ अधिसीशें जमा किए हैं और खुलफा राशदीन से लेकर शहादत हुसैन अली तक पूरा मुकदमा मैंने दो सौ अदीस में बयान कर दिया है अरबी में उर्दू में इंग्लिश में हिंदी में बंगला में पी डी एफ आप डाउनलोड करें फ्री मंगवाएं हमारी में सुबह नौ से पांच बजे तक रहा करें जीरो थ्री टू वन फाइव नाइन डबल जीरो डाक का तीन सौ खर्चा आपने देना है फ्री ये बारह का पैकेज आएगा ये रिसर्च पेपर और नौ टोटल रिसर्च पेपर है और तीन कार्ड है फ्री आएगा पूरी दुनिया में हम देते हैं तो ये तो मेरे भाई मुकदमा लिखा हुआ है अच्छा आपको पता है हमेशा जब भी डिस्कशन होती है ना तो बात ये होती है कि जो तू बात कर कर रहा है लिख लिख के के दे दे यार मैंने लिख के भी दी दी वीडियो में बयान अब क्या चाहते हो अच्छा मुझे कोई शौक नहीं इसे बात करने का ये अपनी पब्लिक को कह रहे थे कि इसके बातिल होने की दलील है ये सामने नहीं बैठता बस मैंने ये इतराज खत्म किया हाँ जैसे अल्लाह के नबी नबीलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया था ना तुम राय ना कह नहीं छोड़ दो उन ना कहा करो साहब कराम को इतराज को खत्म करने के लिए मैंने कहा यार ठीक है यार अब तुम लोग चाह रहे हो ना लो ये भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करा देता हूं चलो ये तो अभी शायद भाई को पता चलेगा ना जब मैं इनको कराची भेजूंगा ये जो अभी इस तरह उठा के मेरी वीडियो बना रहे हैं ना एनजी बनानी है लाइव उठू हाँ अंदर वड़ जाना है उनको कहना निकल बार कर ठीक है ना वो गले फाड़ने वाला भी कहता है जी हमने इनको इलमी जो है वो मोबाइल लेके चैलेंज इलमी मोबाइल है <laughs> कल तक ये कहते थे ठीक हो ना बाकी चीजें साठी वर्गी तो है तो मरे हुए इस कह चीज़ा बयान की कितिया जिंदन छो जिंदा तो एक तस्वीर परोए गए ने सा वर्गी तो किसी ने बयान की है अल्लाह से डरे और ये इन, अपने इमामों के बता दे आयते मुबाला के ऊपर बताएं वो दीसें अधीश, मुबाला बयान करें बताएं मेरा आजू सुनना में फीलिंग ब्लैंक्स किया है उसने इबन तैमिया ने उसने कहा कि मुआविया ने हुक्म दिया साद को सब करने का कि ये किस तरह बयान कर सकते हैं तो मेरे भाइयों हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं बस तो फिर हो जाए सलावत بر محمد وعلى محمد آه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين